बेटा हो गई पेड़ों की कटाई? हाँ पापा। पापा ये क्या है? बेटा ये ना तेरे नए स्कूल की ड्रेस है। मैंने वो तेरा फार्म भरा था ना, तो तेरा नंबर आ गया स्कूल में। अब तू ना बड़े स्कूल में जाएगी पढ़ने के लिए। अच्छा पापा दिखाना। ले बेटा। दीसू क्या हुआ बेटा, तुझे खुशी नहीं हुई? तेरा नए प्राइवेट स्कूल में, इतने बड़े स्कूल में एडमिशन हो रहा है, तुझे तो खुशी नहीं हुई बिल्कुल भी? क्या बात हुई बता। पापा हाँ मैं खुश हूँ, इतने बड़े स्कूल में मुझे पढ़ने का मौका मिला है। पर पापा आपको तो पता है गली के बच्चे मेरे काले रंग के ऊपर कितना मजाक उड़ाते हैं, उस स्कूल में तो और मजाक उड़ाएंगे मेरे पे। अरे नहीं नहीं बेटा, वो बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल है, उसके बच्चे ना बहुत समझदार है, वहाँ सारे बच्चे ना अंग्रेजी बोलते हैं फटफट अंग्रेजी, और फिर ना तू भी सीख जाएगी ऐसी अंग्रेजी, वहाँ तुझे कोई नहीं परेशान करेगा ना कोई चिढ़ाएगा। अब देख मुझे तो मौका मिला नहीं कहीं पढ़ने का, शुरू से ही मुझे तो मजदूरी में लगा दिया पापा ने, तो मैं तो वही काम कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कम से कम मेरी बेटी तो पढ़ लिख ले, अच्छी फिर अफसर नहीं बने। पापा परेशान मत हो, मैं आपका नाम बहुत रोशन करूंगी और फटफट अंग्रेजी बोलूंगी मैं। शाबाश मेरा बच्चा, चल अब घर चले। चल बाबू। पापा मैं तैयार हो गई हूँ, अब मैं स्कूल जा रही हूँ। अच्छा बेटा सुन, आज ना तेरा पहला दिन है, तो ना अच्छे से मन लगा के पढ़ियो, जो तेरी अध्यापक तुझे बताए ना उसको समझियो अच्छे से, और ना समझ आए ना दोबारा पूछ लियो। ठीक है पापा। चल ठीक है जा। मेरी क्लास कहाँ पे है? ओए वो लड़की कौन है, इसको तो स्कूल में पहली बार देखा है। हाँ वो देख देख हमारी क्लास में जा रही है, शायद न्यू एडमिशन है। चल इसे तो मजा चखाएंगे, और देखियो कितनी काली सी है, गरीब कहेगी। चल इसको बताते हैं। ओए तुम्हारी क्लास में क्या कर रही है, कहीं तो चोरी करने तो नहीं आई हमारी क्लास में? नहीं मैं इधर चोरी करने नहीं आई हूँ, मैं इस कक्षा की नई छात्र हूँ। क्या क्या, इस कक्षा की तो नहीं छात्र है, छात्र गवार गई। तुम हंस क्यों रहे हो, मैंने कुछ गलत बोला है? नहीं नहीं तुमने बिल्कुल सही बोला है, जब टीचर आएगी ना तब उनके सामने भी ऐसे ही बोलना, मैम शाबाशी देंगी। मेरा नाम ना दीशु है, तुम मेरे दोस्त बनोगे? बच्चों तुम लोग कॉरिडोर में क्या कर रहे हो, तुम्हारा जीरो पीरियड स्टार्ट हो चुका है, चलो क्लास में। और ये कौन है? बता बता तो कौन है? मैडम मैं ना इस कक्षा की ना नई छात्र हूँ। ओह तो इसका मतलब तुम मेरी क्लास की न्यू स्टूडेंट हो। ये ना एक प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल का मतलब समझती हो ना, यहाँ पे सारे बच्चे सारी टीचर इंग्लिश में बातें करते हैं, तो ये गवार वाली लैंग्वेज ना भूल जाओ, कक्षा नहीं होता क्लास होता है, और छात्र की जगह स्टूडेंट होता है। आई बात समझ में? हमारे स्कूल वाले भी पता नहीं कैसे कैसे गवार बच्चों का एडमिशन दे देते हैं, ना ड्रेसिंग सेंस है ना कुछ। और आई कार्ड कहाँ है तुम्हारा? मैडम मुझे ना अभी आई कार्ड ना दिलाया नहीं है। तो जल्दी से ले लो, और हाँ कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे चक्कर में मैं 10 टीचरों से नई नई बातें सुनूं। आई बात समझ में? सिंसेरिटी के साथ रहना मेरी क्लास में। जी मैम। जाओ अब। और तुम दोनों भी जाओ यहाँ से। ओए वंदना तुमने देखा, मैम ने इस काली छात्री की ऐसी वाट लगा दी। वैसे हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक ही नहीं है। हाँ ओए एक प्लान आया। क्या है ना सही प्लान? हाँ इस प्लान के थ्रू ना हम उस काली को स्कूल से बाहर निकाल सकते हैं। पापा ने तो बोला था इस स्कूल में तेरा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा, आज पूरी क्लास में मिलके मेरा मजाक उड़ाया था, इतना मजाक आज तक किसी ने भी नहीं उड़ाया मेरा, और इस स्कूल के बच्चे बहुत गंदे हैं। बाय काली, कल मिलते हैं। अरे बेटा आप रो क्यों रहे हो? मैम वो मैं गिर गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, रो मत, बच्चे तो गिरते रहते हैं। और हाँ अपने पापा को आई कार्ड का याद दिला देना, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पे पर डे के हिसाब से ना फाइन लगता है जो बच्चा आई कार्ड नहीं पहनता। ठीक है और रो मत, ध्यान से जाओ घर। ओके आगे बेटा स्कूल से। हाँ पापा। अच्छा कैसा रहा आज का दिन तेरा? पापा बहुत अच्छा दिन लग गया था। अच्छा अच्छा पापा वो मैम कह रही थी आई कार्ड के लिए। अच्छा आई कार्ड, मैं ना तुझे कल पैसे दे दूंगा, तू स्कूल जाके ना आई कार्ड ले लियो। ठीक है पापा। जा अंदर कपड़े बदल ले, मैंने खाना बना रखा है, खाना खा ले। भैया ये आई कार्ड दे दो।
हाँ मैंने वो नया आई कार्ड ले लिया। निशु वे आर रियली सॉरी, कल हमें रियलाइज हुआ कि हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया, हमें माफ कर दियो। और तेरे को हर्ट हुआ होगा ना? ओके इट्स ठीक है ठीक है। अरे निशु घबरा मत, तूने बिल्कुल सही बोला। ओके इट्स फाइन, सही बोला तूने, यही होता है। और हाँ तू घबरा मत, हम अब तेरे फ्रेंड बनना चाहते हैं। ठीक है, तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो? हाँ ठीक है। अरे वंदना क्या कर रही है, उसका लूटी से दोस्ती कर रही है, हमारा प्लान तो उसको स्कूल से बाहर निकालने का था। वंदना बेल बज गई, जल्दी चल क्लास में मैथ्स का पीरियड है। तू जा अभी मैं पानी पी के आती हूँ। और तू क्या कर रही है, तूने उस काली से दोस्ती क्यों की, हमारा प्लान तो उसको स्कूल से बाहर निकालने का था। अबे वो प्लान मैंने कैंसिल कर दिया, अब दूसरा प्लान है, सुन। है ना सही प्लान? हाँ चल। आज का लंच तो बहुत यम्मी था। यार 15 मिनट बच रहे हैं, अब क्या करें? उए, तेरे बाल तो बड़े अच्छे हैं। हाँ मेरे पापा भी कहते हैं मेरे बाल मम्मी जैसे हैं। हो गया तुम्हारा लंच? हाँ हो गया। दीशु मैं तेरे हेयर स्टाइल बनाऊं? सौरभ मैं इसका हेयर स्टाइल बना रही हूँ, बताइयो कैसा है। हाँ हाँ बना। बनना बन गए? हाँ बस बस बनने वाले। जल्दी से चलते, लंच खत्म हो गया। अरे दिशु बेटा ये तेरे बाल ये छोटे से कैसे लग रहे हैं मुझे? नहीं पापा वो मेरी फ्रेंड ने ना हेयर स्टाइल बनाया था तो आपको इसलिए लग रहे होंगे। अच्छा चल ठीक है, स्कूल सही चल रहा है? हाँ हाँ चल ठीक। ओए 1 किलो बाल पूरे होने वाले हैं, अभी थोड़े से कम है, चलो काली के और बाल काटते हैं। अबे नहीं नहीं उसके बहुत छोटे हुए हैं बाल, अगर उसे पता चला ना कि हमने उसके बाल काटते हैं रोज तो हमें निकाल देंगे स्कूल से, अब नहीं काट सकते। और तुझे पता है वैसे ही हमारी क्लास टीचर इतनी स्ट्रिक्ट है, अगर उसने क्लास टीचर को बता दिया ना फिर हम तो पक्का निकलेंगे स्कूल से। ओए जिन भैया को मुझे ये बाल बेचने हैं ना उन्होंने बोला 1 किलो ही लूंगा, उससे कम नहीं लूंगा, तू काट लेना उसके बाल, वैसे भी इसको इतने दिन में नहीं पता चला तो आज कैसे पता चल जाएगा। चल ठीक है पर थोड़े से ही काटूंगी मैं। हाँ अभी जाके मैं प्रिंसिपल मैम को कंप्लेंट करती हूँ तुम्हारी। ओए टीशु रुक इधर आ। ओए तूने इतनी ऊंची आवाज में हमसे बात किया ना, ऐसे कभी कर मत लियो ठीक है, हमारे घर वालों के पास बहुत पैसा है, टीचरों के मुंह पे रखेंगे ना उनके भी मुंह बंद हो जाएंगे, जब बोलते प्रिंसिपल को बोलना है। जा और सुन ज्यादा देर जबान चली ना, ये बाल बचे है ना ये भी काट दूंगी, निकल यहाँ से अब। आज मेरा घर जाने का मन भी नहीं कर रहा है और मैं इस जंगल में आ गई हूँ, और मैं अपने पापा को कैसे बताऊंगी कि स्कूल के बच्चे मेरे साथ क्या क्या करते हैं। पापा दिन रात इतनी मेहनत करते हैं कि मैं इस स्कूल में पढ़ सकूं, अब मैं क्या करूं, उस वंदना और सौरभ ने मेरे बाल छोटे कर दिए, कहीं इधर से काट के और इधर से तो मैं पूरी गंजी हो गई हूँ। अरे बेटा तुम इतने घने जंगल में अकेली बैठ के रो क्यों रही हो? आप कौन? मैं जादुई परी हूँ और मैं ना तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर सकती हूँ। जादुई परी मेरे बाल ना बहुत छोटे हो गए हैं, आप उसे बड़े कर दो ना। अच्छा अपनी आंखें बंद करो। वाह मेरे पहले जैसे बाल आ गए मम्मी जैसे, थैंक यू जादुई परी। बेटा वैसे तुम्हारे बाल काटे किसने थे? मेरी क्लास में ना 2 बच्चे हैं, वो बहुत शरारती है और मुझे रोज परेशान करते हैं, उन्होंने मेरे बाल काटे थे। अच्छा अब तुम परेशान मत हो, अब जब वो तुम्हारे बाल काटेंगे ना तो वो दोनों गंजे हो जाएंगे और उनके बाल मैं जब तक वापस नहीं करूंगी जब तक वो सबके सामने तुमसे माफी नहीं मांग लेते और सबको बता नहीं देते कि उन्होंने ही तुम्हारे बाल काटे थे। थैंक यू जादुई परी। अब तुम घर जा सकती हो। ठीक है आज गेम पीरियड है, कोई भी मेरे साथ नहीं खेल रहा है, इस स्कूल में तो मेरा मन भी नहीं लगता है। क्या बोल रही है काली, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। और इस काली के बाल इतने जल्दी कैसे लंबे हो गए,
पता इसने जरूर कुछ किया है। आज उसके तो बहुत सारे बाल काट लियो। कैंची लाए? हाँ। दे फिर। ओए काली, हमें तेरे आज बाल काटने हैं। मत काटो ना प्लीज। काटने दे रही है कि नहीं? काट लो। चल। हाँ ठीक है, मोटी है, बाल काट दियो पूरे। वंदना तेरे बाल कहाँ गए? हाँ मेरे बाल। तेरे भी बाल जाएंगे। क्यों? क्योंकि तू उसका साथ दे रहा है। मेरे बाल चले गए सारे वंदना। हाँ सौरभ, मेरे भी बाल चले गए। चले गए ना तुम दोनों के बाल। अगर जब तक तुम मेरे पापा और टीचरों के सामने मेरे से सॉरी नहीं मांग लोगे ना, जब तक तुम दोनों के बाल नहीं आएंगे। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैम वो आ गए। चलो मेरे साथ। सॉरी मैम। मैम हमें माफ कर दो प्लीज, हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे दीशु के साथ। तुम्हारी ये गलती ना माफी के लायक नहीं है। तुम दोनों इतने अच्छे घर से बिलोंग करते हो और तुमने उसके सारे बाल काट दिए। वो बेचारी गरीब ही सही, पर उसके ऐसे संस्कार नहीं है। उसके पापा ने उसे अच्छी शिक्षा दी है। और तुम दोनों को तो ना मैं स्कूल से निकलवाऊंगी। अभी जा रही हूँ प्रिंसिपल के पास और उन्हें बोलूंगी कि तुम्हें किसी भी स्कूल में एडमिशन ना दिलवाएं। नॉनसेंस। चलो दोनों प्रिंसिपल ऑफिस। चलो प्रिंसिपल ऑफिस। मैम प्लीज हमें स्कूल से मत निकलवाओ ना। मैम प्लीज इन्हें स्कूल से मत निकालो, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। दिशु देखा तुमने, ये कितनी अच्छी है। अब भी बोल रही है कि इन्हें पनिशमेंट मत दो। इन्हें इनकी गलती रियलाइज होना बहुत जरूरी है। मैं प्रिंसिपल मैम को ये बात तो जरूर बताऊंगी, चाहे इन्हें स्कूल से निकलवाऊं या ना निकलवाऊं। जादुई परी इनके बाल दे दो, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमारे बाल आ गए सौरभ। वैसे हमने दिशु के साथ बहुत गलत किया। चल दिशु के पास उससे माफी मांगने चलते हैं। अब हम उससे सच में फ्रेंडशिप कर लेंगे। हाँ, क्योंकि उसने हमसे मैम से ही बचाया है। चल दिशु सुनना हमारी बात। दिशु अब हम तेरे पक्के वाले फ्रेंड हैं, अब हम कभी भी तेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। अब तो नहीं करोगे ना मेरे साथ ऐसा? आज तो बचा लिया मैंने, प्रॉमिस करो मेरे से। ये तेरे करो कभी खुशी कभी गम।